हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आईएस चैनल। माय नेम इज़ इमरोज और मेरे साथ कैमरे पर है मिस्टर प्रमोद। दोस्तों, ये वीडियो है जो हमारा 52 नंबर का वीडियो होगा। ये लेट्स सी, द वीडियो नंबर इज 5 एंड 2। देखिए, आज का जो वीडियो है, पीछे हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीनों टेंसेस हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। इसमें आपने ताहे से बातचीत की है, इसमें आप थाते थी से और इसमें गागेगी से बातचीत आपने की है। इसमें एस प्लस V1 लगाते हैं आप, इसमें एस प्लस V2 लगाते हैं आप, इसमें एस प्लस मेनली आपको विल प्लस V1 लगाने कहा गया था। ज़रूरत पड़ने पर सेल भी लगाते हैं आई और वी के साथ। अब देखिए, इसका जब निगेटिव आप बनाए थे तो क्या लगाए थे आप? डोंट बोले थे, या फिर क्या बोले थे आप? डजेंट। इसके साथ क्या बोले था आपने? V1। इसको जब निगेटिव बनाए थे तो क्या बनाया लगाया था आपने? डिडेंट। इसके साथ भी आपने क्या इस्तेमाल किया था? V1। और इसको जब निगेटिव बनाया तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या बताया गया था आपको? वोंट। और शैल नॉट का क्या बताया गया था आपको? शांट। इसके साथ भी आपने V1 इस्तेमाल किया था। तो आपको ये गौर करना है कि डू नॉट या डज नॉट लगने के बाद भी V1, डिड नॉट लगने के बाद भी V1, विल नॉट या शैल नॉट के बाद भी V1 ही बोला जाता है। इसको ध्यान रखिए। अब देखिए, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग की बात आती है। QUESTIONING, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, ANSWERING, आंसरिंग। क्वेश्चनिंग आंसरिंग के संबंध में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। ये फाइनल आपको फ्यूचर इंडेफिनिट समझा दिया जा रहा है। तीनों टेंसेज आप यहीं देख लीजिए और नंबर ऑफ एक्सरसाइज दिखा दिए जाएंगे आपको फाइनली। इसके बाद आप शिकायत नहीं कर सकते कि आपको किसी ने बताया नहीं, बहुत डिटेल्स आपको दिए जा रहे हैं। और नंबर ऑफ एक्सरसाइज, दैट मीन्स ट्रांसलेशन कैसे करना है, इस टेंस को प्रॉपर सीख सकते हैं आप। आता हूँ पूरी ज़िंदगी के लिए। लेट्स सी, मैंने एग्जांपल लिया, कोई आपसे ये पूछे कि डू यू, आपसे एग्जांपल है डू यू कुक फूड, कुक फूड। मान लेते हैं आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप खाना पकाते हो, इट इज़ अ क्वेश्चन। आपने पूछा क्या आप खाना, मतलब भोजन, खाना पकाते हो, पकाते हो। ओके, इट इज़ अ क्वेश्चन। आपने जवाब दिया यस आई डू, हाँ मैं पकाता हूँ या पकाती हूँ। और नो से जवाब दिया तो क्या बोला आपने? नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं पकाता। आप शॉर्ट में आंसर करते हैं, पूरा भी कर सकते हैं, इसके पे पीछे वीडियो बताए गए हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या आप, अब मैं भोजन लिख दे रहा हूँ, भोजन पकाए थे, आप थे चाहे तो बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, क्या आप भोजन पकाए थे। देखिए, भोजन पकाते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट और भोजन पकाए पास्ट इंडेफिनिट। अब ये क्वेश्चन डिड से होगा, आपसे पूछा जाएगा डिड यू कुक फूड, डिड यू कुक फूड, क्या तुम भोजन पकाए, तो आपने जवाब क्या दिया? यस आई डिड, हाँ मैं पकाया। और जब नहीं बोले तो क्या बोले हमने? नो आई डिडेंट, नहीं मैं नहीं पकाया। शॉर्ट में आंसर देकर ख़त्म कर देते हैं। तीसरी बात देखिए, अब ये आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट इज चेंज इन पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं इसको ऐसा, अगर आपसे कोई सवाल करे क्या आप भोजन पकाओगे, भोजन पकाओगे या खाना पकाओगे, भोजन पकाओगे, ठीक है। अब देखिए, इट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन। अब ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो आपने क्या बोला? अब यहाँ पर आप बोलेंगे विल यू कुक फूड, विल यू कुक फूड, क्या आप भोजन पकाओगे। अब इसका जवाब आपको देना है, तो इसका गागेगी से सवाल जो हो रहा है आपसे, तो क्या बोलोगे? यस, आपने एग्जांपल लिखा यस आई शैल भी कह सकते हैं, विल भी कह सकते हैं, यस आई शैल, या क्या बोलोगे? यस आई विल। इन दोनों के शॉर्ट फॉर्म को बोला जाता है यस आई विल, इतना बोल कर सेंटेंस ख़त्म। इसी तरीके से जब नो से बोलेंगे आंसर ख़त्म, जब नो से बोलेंगे तो क्या बोलोगे? नो आई शांट कहने वाले हैं आप, निगेटिव शांट होता है। या विल नॉट से बोलेंगे तो क्या जाएगा? नो आई वोंट। आप कोई भी आंसरिंग कर सकते हैं शैल या विल के साथ। नॉर्मली लोग आजकल विल ही बोलते हैं, शैल का इस्तेमाल कम हो गया है, बट इनको शॉर्ट में जब बोला जाता है तो आई शैल को आइल या आई विल को आइल ही कहा जाता है। और यहाँ नो के साथ बोलेंगे तो शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शांट होता है, विल नॉट का वोंट होता है। तो आपने विल यू कुक फूड, कि आप खाना पकाओगे, तो आपने बोला यस आइल, हाँ मैं पकाऊंगा, पकाऊंगी। नो आई शांट, या आई वोंट, नहीं मैं नहीं पकाऊंगा। तो ये एग्जांपल आप देखिए, क्या आप पकाते हो, फिर आपसे पूछा गया क्या आप पकाए, फिर क्या बोला क्या आप पकाओगे। अगर मैं इनको एक साथ आपको दिखाऊं इस सेंटेंस को, मैंने पहले बोला डू यू, आपने एग्जांपल लिया डू यू कुक फूड, क्या आप खाना पकाते हो, फिर आपने डू को बस डिड किया, डिड यू कुक फूड, क्या आप खाना पकाए, फिर आपने सिर्फ क्या किया विल यू कुक फूड, क्या आप खाना पकाओगे। दैट मीन्स पहला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तीसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो कैसे हम टेंसेस चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करके पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है, तो आपको बहुत सारे सवाल बनाने आने चाहिए। आपको बहुत सारे सवाल यहाँ बनाना सिखाया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि आप जाते हो, खाते हो, खेलते हो, सोते हो, हंसते हो, नहाते हो, गाते हो। यहाँ पर आप पास्ट में बोले कि आप गए थे, खाए थे, सोए थे, उठे थे, बैठे थे, है ना, कि आप मिले, आए, गए, बैठे। इसमें
जिसमें गागी से बातचीत आपको करवाई जा रही है कि आप जाओगे, खाओगे, सोओगे, हंसोगे, नहाओगे, तो दैट मीन्स आप क्वेश्चन करते हैं सामने वाले से एंड ही आंसर्स यू। तो आंसर्स करने के तरीके ही बताया गया, जब सवाल डू से होगा तो आंसर भी डू से होगा, जब सवाल डिड से होगा तो आंसर भी डिड से होगा, जब सवाल विल से हो रहा है तो विल से हो रहा है तो आंसर में तो आई आ रहा है, तो आप शैल भी कह सकते हैं। यहाँ पर आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होता है, बाकी के साथ नहीं होता। तो दैट मीन्स अगर आप चाहें तो विल भी बोल सकते हैं इनके साथ। तो क्या बोला आपने शॉर्ट में? यस आइल। ये आइल का मतलब आप शैल और विल दोनों निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं यहाँ लूँगा, उसके बाद फिर बाकी मैं एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने एक किसी ने आपसे सवाल पूछा, डोंट यू कुक फूड, डोंट यू कुक फूड, क्या तुम खाना नहीं पकाते हो। पहले हमने पूछा था डू यू, अभी डोंट से पूछ रहे हैं। डोंट यू कुक फूड, क्या तुम खाना नहीं पकाते हो, तो आपने बोला यस आई डोंट, क्या बोलोगे? हाँ मैं नहीं पकाता। और बोलोगे नो आई डू, नहीं मैं पकाता हूँ कह रहे हैं आप। इसको दिस इज़ कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू डस से जब बात हुई तो ये समझिए। दूसरी बात ये कि अगर यही बात पास्ट इंडेफिनिट में की जाए तो क्या हो जाएगा? डोंट की जगह में क्या जाएगा? डिडेंट। डिडेंट यू कुक फूड, अब इसका क्या मतलब हो गया? डिडेंट यू कुक फूड, फूड मैं साथ में ले लेता हूँ। डिडेंट यू कुक फूड, क्या तुम खाना नहीं पकाए पूछ रहे हो, तो आपने क्या बोला? यस आई डिडेंट, हाँ मैंने नहीं पकाया, हाँ मैंने नहीं पकाई, ऐसा बोल रहे हैं आप। और नो से क्या बोलोगे? नो आई डिड, नहीं मैं पकाई कह रहे हैं आप। तो आप देखिए कि जिसमें क्वेश्चन जिस टेंस में होता है आंसर भी उसी टेंस में होना चाहिए। अब फ्यूचर इंडेफिनिट हम करते हैं यहाँ एग्जांपल में, तो अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा सामने में वोंट, वोंट यू कुक फूड, वोंट यू कुक फूड, क्या तुम भोजन नहीं पकाओगे बोल रहे हो आप। अब यहाँ ताहे से बातचीत हो रही है, पकाते हो, यहाँ पर थाते थी से बात हो रही थी, पकाए थे, यहाँ पर गागेगी से बात हो रही है, वोंट यू कुक फूड, क्या तुम खाना नहीं पकाओगे, भोजन नहीं पकाओगे, तो आप आंसर करेंगे यस। अब आपने बोला आई शांट कह सकते हैं, यस आई शांट। अगर ये नहीं कहना चाहते तो क्या बोलेंगे? यस आई वोंट, शॉर्ट फॉर्म में जवाब दिया आपने। अगर नो से बोलोगे नो आइल, आपने बोला नो आइल, इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आई शैल, जिसका शॉर्ट फॉर्म अपन बोलते हैं आइल, आप ऐसा बोलिए। अगर विल भी बोलते हैं तो आप आइल ही कहते हैं, तो क्या नो आइल, नहीं मैं पकाऊंगी या पकाऊंगा बोल रहे हो। इस तरीके से आपने यहाँ देखा एग्जांपल, यस और नो में एग्जांपल आपको बताया गया है। तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ आपको कि तीन टेंसेज आपने सीखा, एक ताहे थाती थी से, गागेगी से, अगर इस पर कोई सेंटेंस आप बना सकते हैं तो इस पर भी जितने एग्जांपल आप इसमें बना लेंगे उतने इसमें बना लेंगे, उसमें इतने ही बना लेंगे, मतलब यू आर ट्रिपलिंग योर नॉलेज। अगर आप यू कैन डू एग्जाम्पल 100 एग्जाम्पल्स हियर, तो 100 यू कैन डू डायरेक्टली, यू कैन चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, फिर इसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट बदल सकते हैं। तो दैट मीन्स कैसे यू आर ट्रिपलिंग योर नॉलेज, अपने नॉलेज को आप कैसे बढ़ा रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए, कभी भी जब आप कोई सेंटेंस खुद से बनाते हैं, दैट मीन्स आपको बोला जाता है कि आप सोचिए अपनी ज़िंदगी में जो करते हैं उसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो नो डाउट देयर कि एक लर्नर को प्रॉब्लम होती है। तो उसकी सॉल्यूशंस क्या हैं यहाँ पर? अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा गौर और फिक्र करेंगे और साथ में चलेंगे, काफ़ी एग्जाम्पल आपको साथ में करना चाहिए, आप साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। देखिए, एक साथ सेंटेंस बनाने के तौर तरीके मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया वह खाता है, वह खाता है, इसी को क्या बोलेंगे? वह खाया है ना, फिर आप क्या बोलोगे? वह खाएगा। तीन टेंस बन गए आपके। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि वह खाता है, फिर ऑब्लिक किया मैंने, फिर खाया, फिर ऑब्लिक और फिर खाएगा, इसी बात को हमने और अच्छे अरेंज तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर पहला टेंस खाता कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह खाया कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। वह खाएगा कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो वह खाता, वो क्या बोला आपने? ही ईट्स। वह खाया, वो क्या बोला आपने? ही एट। वह खाएगा, वो क्या बोलोगे? ही विल ईट। अब ये बताइए, ये जल्दी जल्दी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि ताहती का सेंटेंस कैसे बनता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर थातेती का सेंटेंस कैसे बनता है? वी टू लगेगा। गागी के सेंटेंस कैसे बनते हैं? विल से बनेगा। तो मैं फटाफट एग्जाम्पल बना लिया। अगर इसी बात को मैं वह नहीं खाता है बोल देते हैं हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बोल रहा हूँ? वह नहीं खाता, वो क्या बोल रहा हूँ मैं? ही डजंट, ही डजंट ईट। अब वह नहीं खाया, पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? ही डिडेंट ईट। आप क्या कहेंगे? डिडेंट कहेंगे, ही डिडेंट ईट। उस तरीके से वह नहीं खाएगा, फ्यूचर में क्या बोलेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट में ही वोंट ईट, ही वोंट ईट। आप देख रहे होंगे कि निगेटिव में तीनों सेंटेंस अफर्मेटिव में तीनों बनाई हैं, तीनों में निगेटिव में तीनों बनाई है। एक साथ सोचिए, इसके ऊपर मैं कुछ आइडियाज़ अभी आपको दिखाने वाला हूँ। एक एग्जाम्पल देखिए, और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में क्या से लूँगा? क्या वह खाता है, वह क्या वह खाता है? ऑब्लिक खाया, ऑब्लिक और खाएगा, ऑब्लिक। तीनों टेंस को एक साथ बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है पहला, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट है, तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या हुआ खाता है, तो क्या बोलोगे आप? डज ही ईट, डज ही ईट। आपको मालूम है डज लगेगा, डू नहीं लगा सकते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले आपको मालूम है। यहाँ क्या हो जाएगा? डिड ही ईट, क्या हुआ खाया, पास्ट इंडेफिनिट में, और फ्यूचर में क्या बोलेंगे? विल ही ईट, क्या हुआ खाएगा। इस तरह से आप देखिए,
कि हम एक ही बात को तीन टेंसेस में सोचें तो हम ज़्यादा बेहतर जल्दी सोचने लगेंगे और डिफ्रेंशिएट हम कर पाते हैं टेंसेस के बीच में कि भाई ये टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है और इसको कौन से हेल्पिंग वर्ब्स के साथ या कौन से फॉर्मूले में बोला जाए। अगर यहाँ क्या की जगह मैं नहीं इस्तेमाल करता हूँ तब मैं प्रेजेंट डेफिनेट क्या बोलूँगा, क्या वह नहीं, यहाँ पर क्या वह नहीं खाता है तो क्या बोलोगे आप यहाँ पर, फिर ऐसा बोलोगे ना डजंट ईट, डजेंट ईट, क्या वो नहीं खाता है। और इसी को क्या हुआ नहीं खाया बोलोगे तो क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में डिडंट का इस्तेमाल होगा, आप क्या बोलोगे डिडंट ईट, क्या हुआ नहीं खाया। इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है वोंट ईट, क्या हुआ नहीं खाएगा। तो जैसे ही हमने नॉट इसमें इस्तेमाल किया सारे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नॉट लगाया, नॉट ऐसे लग जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इस तरह से आप जब किसी से सवाल करें तो इस तरह से पहले तो आप एग्जांपल सोचना, तीनों टेंसेस में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप ताहे से बोल रहे थाते थे या गागेगी से, तो आपसे सेंटेंस फास्ट बनना चाहिए। देखिए इसके संबंध में मैं कुछ आइडियाज़ आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, और जैसा कि मैंने आंसरिंग आपको बता दी है कि किस तरीके से आंसरिंग करेंगे, आंसरिंग में आपको जो बताया गया अभी आपको एग्जांपल में ये जो आंसरिंग करने के तरीके बताए गए विल यू कुक फूड, क्या तुम खाना पकाओगे, तो आपने बोला यस आई विल या नो आई वोंट या शांत, उसी तरह की से आप एग्जांपल में यहाँ पर भी देखिए। मैं एक और फाइनल आइडिया ले रहा हूँ, उसके बाद आप कुछ आपको कुछ नए एग्जांपल्स दिखाए जाएंगे जिसको आप करिएगा। जैसे किसी ने आपसे सवाल पूछा विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, आपने जवाब दिया यस आई, आप चाहे तो विल कह सकते हैं मैंने कहा, या चाहे तो शैल, यस आई विल या आई शैल। निगेटिव बोलेंगे तो क्या जाएगा आपका नो आई विल नॉट से बोलोगे तो क्या जाएगा वोंट, आई शैल नॉट से बोलोगे तो क्या जाएगा शांट, इस तरह से आपने जवाब दिया। अच्छा विल की जगह पर ये एग्जांपल क्या आता है वोंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, तो आपका जवाब हो क्या होगा यस, आप क्या बोलोगे आई वोंट, विल नॉट से बोलोगे तो वोंट, शैल नॉट से बोलोगे तो क्या बोलोगे शांट। इस तरीके से नो से बोलोगे तो नो आई शैल, नहीं मैं खेलूँगा या खेलूँगी, नहीं तुम, आप ऐसे मैं ऐसे बोल रहे हैं, नहीं मैं खेलूँगा खेलूँगी, और आई के साथ विल भी कह सकते हैं आप। तो दैट मीन्स आज ग्रामर में शैल और विल के डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं रह गए हैं, विल का ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपको आंसरिंग क्वेश्चनिंग आना चाहिए, कोई आपसे पूछे विल गो टू मार्केट तो आपने जवाब दिया यस आई विल। अच्छा यहाँ कोई और होगा, जैसे आपने एग्जाम्पल में यहाँ पर लिया, एक उदाहरण के साथ और बात करते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिखा विल योर मदर बीट यू, क्या आपकी मम्मी आपको पीटेगी, बोल रहा हूँ, तो आपने जवाब में दिया यस, अब यहाँ पर योर मदर को किसमें बदलोगे शी विल, यस शी विल, और नो से बोलोगे तो नो शी वोंट। तो यहाँ तो क्लियर है कि हमको विल ही लगाना है। ध्यान रखिए जब भी सब्जेक्ट की जगह पर आई या वी लगे मिले तब आप शैल का इस्तेमाल करिए, और अगर कोई और दिक्कत है तो आप विल बोल सकते हैं, देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे विल योर फादर, आप फादर की बात करते हैं, विल योर फादर गो टू मार्केट, क्या आपके पिताजी मार्केट जाएंगे, तो आपने क्या बोला यस, आप योर फादर ना बोलकर क्या बोलोगे ही विल, हाँ वह जाएंगे। यहाँ माई फादर भी बोल सकते थे यस माई फादर विल गो, या फिर क्या बोलेंगे यस ही विल गो, या नो से क्या बोलोगे नो ही वॉन्ट। तो ये शॉर्ट फॉर्म बताने के जो तरीके हैं उसको थोड़ा सा लर्न करिए, इसे सीखने की कोशिश करिए और जानिए कि सवाल के जवाब शॉर्ट में कैसे दिए जाते हैं। अब मैं आपको सेट पर कुछ एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ, सेट है मेरे हाथ में, देखिए एग्जांपल को मैं अभी दिखाता हूँ आपको, उस हिसाब से आप आगे काम करिएगा। देखिए ये है यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब V1 का इस्तेमाल हुआ है और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। देखिए यहाँ से देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ताहती से बातचीत होती है, मैं जाता हूँ आई गो आई डोंट गो डू आई गो डोंट आई गो, अफर्मेटिव निगेटिव इंटरगेटिव इंटरगेटिव निगेटिव। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है मैं, इट इज़ अ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, क्या है ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, क्या लगाया आपने डू नॉट, अब ये देखिए वह जाता है ही गोज ही डजंट गो डज ही गो डजंट ही गो, अब ये ही जो है सिंगल नंबर सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है सिंगल नंबर, तो अब इसके साथ क्या लगाया आपने डज नॉट का इस्तेमाल किया डूडस, अब देखिए यहाँ पर आप जाते यू गो यू डोंट गो डू यू गो डोंट यू गो, अब देखिए यू इट इज़ अ प्लूरल नंबर तो क्या है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो देखिए जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है तो इस तरह से निगेटिव्स बनाए जाते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगल नंबर होता है तो डज नॉट से बनाए जाते हैं। ये रूल किसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। अब पास्ट इंडेफिनिट में देखिए मैं गया मैं जाता हूँ क्या बोलेंगे मैं गया आई वेंट, सेकंड फॉर्म लगाते हैं एस प्लस वी टू, और डिड नॉट लगाकर वी टू को क्या कर देते हैं वी वन,
तो मैं नहीं गया, डिड आई गो क्या मैं गया, डिडंट आई गो क्या मैं नहीं गया, तो आप देखें डिड नॉट लगाया जा रहा है और वी वन। सब्जेक्ट के यहाँ पर आई इट इज़ अ सिंगल नंबर या प्लूरल नंबर इसमें दोनों में नहीं आते हैं, ये एक साथ सिर्फ वी टू लगाए जाते हैं डिड नॉट के साथ वी वन। वह गया था, ही वेंट, आपने कहा, ही डिडंट गो, डिड ही गो, डिड, देखो यहाँ पर भी डिड नॉट लगाया गया और वी वन। यहाँ देखो आप गए थे, यू वेंट, यू डिड नॉट गो, डिड यू गो, यहाँ पर मतलब फॉर्मूला एक ही है, वी टू लगाना है आपको अफर्मेटिव में, सबके साथ डिड नॉट ही बोलना है, लेकिन यहाँ पर आपको डू नॉट डज नॉट समझना पड़ रहा था, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे आप कोई भी बॉय बॉयज़ या कैट कैट्स का इस्तेमाल करें, सबके साथ डिड नॉट ही लगाना है। डू नॉट डज नॉट का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए, डिड नॉट का क्लियर यहाँ होना चाहिए। अब देखो विल और शैल के लिए आई के साथ क्या बोला गया, आई मैं जाऊँगा, आई शैल गो, आई शान गो, शैल आई गो, शान आई गो, अगर यहाँ पर वी होता तब भी आप शैली कहते, सिर्फ दो ही कंडीशन में आई और वी जब सब्जेक्ट होंगे इसी इन्हीं कंडीशंस में आपको शैल का इस्तेमाल करना है। अब देखिए ही विल गो, ही वोंट गो, विल ही गो, वोंट ही गो, देखो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म कैसे विल सामने आया, यू के साथ भी विल गो, यू वोंट गो, विल यू गो, वोंट यू गो, हर जगह पर विल ही इस्तेमाल होगा, शैल का इस्तेमाल आई वी के साथ होगा। आप देखिए मैं जाता हूँ, गया, जाऊँगा, आप तीनों सेंटेंस बना लिए, वह जाता गया, जाएगा, आप तीनों टेंसेस बना लिए, आप जाते हो, गए, जाओगे, आप तीनों टेंसेस बना लिए। अब जरा गौर करिए, ये है हमारा एग्जांपल नंबर वन, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं फाइनल चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये है, इसको हेडलाइन नंबर वन कहेंगे, ये हेडलाइन नंबर फाइव है, हेडलाइन नंबर नाइन है, आपको लाइन से चलना है, वन के बाद टू पीछे दिया गया, उसको दिखाता हूँ मैं अभी आपको। मैं खाता हूँ, खाया, खाऊंगा, तीनों टेंसेस हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप हेडलाइन नंबर वन दीजिए, क्योंकि हेडलाइन नंबर वन कर रहे हैं। पहला एक्सरसाइज लिखिए, क्या लिखा, मैं खाता हूँ, फिर क्या बोला आपने, खाया, फिर क्या बोला आपने, मैं खाऊंगा। अब इसे आप क्या करिए, पहला कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसा लिख लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसा करिए। अब मैं खाता हूँ क्या बोलोगे, आई ईट, मैं खाया हूँ क्या बोलेंगे, आई एट, ये आई है, और मैं खाऊंगा क्या बोलोगे, आई शैल ईट। अब जरा देखिए, ये बन गया पहला नंबर का एग्जांपल, फिर यहाँ पर देखिए दूसरा, मैं सोता हूँ सोया सोऊंगा, मैं रोता रो रहूँगा, मैं धोता हूँ धोऊंगा, मैं सोचता सोचा सोचूंगा, ये सारे एग्जांपल ऐसे बनाइए, पहला नंबर मैं खाता हूँ खाया खाऊंगा, दूसरा बनाऊंगा मैं सोता सोया सोऊंगा, फिर बनाऊंगा ऐसे ही, फिर मैं रोता रो रहूँगा, फिर बनाऊंगा ऐसे ही, मैं धोता हूँ धोया धोऊंगा, फिर मैं बनाऊंगा ऐसे ही, मैं सोचता सोचा सोचूंगा, फिर मैं बनाऊंगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, आई का सेकंड फॉर्म क्या होगा, एट। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, सोया का स्लिप का स्लेप्ट हो जाएगा, स्लेप्ट हो जाएगा, क्राई का क्राइड हो जाएगा, वॉश का वॉश हो जाएगा, थिंक मतलब सोचना, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट हो जाएगा, मतलब आपको वी टू की ज़रूरत तो पड़ेगी। अगर वी टू नहीं मालूम होगा तो क्या करेंगे आप, सेंटेंस छोड़ते जाएंगे, तो दैट मीन्स इनको तो सीखना है, आपको लर्न करना है। तो इसके लिए मैं अभी आपको इसके आंसर शीट दिखाऊंगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर वह निमंत्रण देता दिया देगा, तो आप बना लीजिए। तो वह निमंत्रण देता किस तरीके से, पहला सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट, दूसरा पास्ट डेफिनिट, मान लेते हैं आप इसे बना रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में लिख लीजिए पहले ऊपर में, पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, पाँचवें नंबर का बना रहे हैं आप। तो वह निमंत्रण देता था, क्या लोगे, ही इनवाइट्स, क्या कहेंगे आप, ही इनवाइट्स, और दूसरे में क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट वी टू लगता है, ही इनवाइटेड, तीसरे में क्या होगा, फ्यूचर में विल लगता है, तो क्या जाएगा, ही विल इनवाइट। तो आप देखेंगे कि आप हर प्रकार के एग्जांपल बना पा रहे हैं। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर शी से बना हुआ, धक्का मारती, मारी मारेगी, प्रेजेंट डेफिनिट में क्या बोलोगे, शी पुशेश, शी आएगा यहाँ, क्या जाएगा, पुशेश, वह धक्का मारी तो क्या जाएगा, शी पुश्ड, वह धक्का मारेगी तो क्या जाएगा, शी विल पुश। तो इस तरह से जो भी हेडलाइंस आप करेंगे उसको इसी तरह से बनाइएगा, पहला प्रेजेंट डेफिनिट, दूसरा पास्ट डेफिनिट, तीसरा, फिर ऐसा लिख लीजिए, फिर सेंटेंस बना लीजिए यहाँ पर। देखिए अब देखिए ये है नंबर टू, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप तो बेहतर होगा। ये है नंबर टू, नंबर टू के बाद आपको करना है नंबर थ्री, नंबर थ्री के बाद करना है आपको नंबर फोर, उसके बाद फाइव पीछे दिया गया, सिक्स सेवन, आप लाइन से सीरीज़ में काम करेंगे प्लीज़, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए नंबर टू में मैं नहीं लिखता, लिखा लिखूंगा, अब वैसी वाली बात आ गई, यहाँ पर आप हिंदी में लिख लीजिए, मैं नहीं लिखता, लिखा लिखूंगा, ठीक है। इस सेंटेंस को मैं नहीं लिखता लिखूंगा को कैसे बनाना है, तो पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, है ना, तीसरा टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो मैं नहीं लिखता हूँ, पहला सेंटेंस था हमारा मैं नहीं लिखता हूँ, तो क्या बोलोगे, आई डोंट राइट, डब्ल्यू आर आई टी, राइट, मैं नहीं लिखा हूँ क्या बोलोगे, आई डिडेंट राइट, आई डिडेंट राइट, और मैं नहीं लिखूंगा क्या बोलोगे, आई शांट राइट, आई शांट राइट। ऐसा करने से आपकी कमांड राइटिंग में भी अच्छी होती जाएगी और स्पीकिंग में भी। अब देखिए तीसरे नंबर का हेडलाइन, क्या मैं पकाता हूँ, पकाया, पकाऊंगा, तो ये एग्जांपल क्या से चल रहा है, जब मैं इसको सभी को बनाऊंगा यहाँ पर तो तीसरे नंबर का हेडलाइन दूंगा, पहला मैं हिंदी लिखूंगा, क्या मैं पकाता हूँ, पकाया, पकाऊंगा, पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो क्या बोला, क्या मैं पकाता हूँ,
तो इसको क्या बोलूँगा मैं, डू आई कुक, डू आई कुक, आपको मालूम है डू क्यों लगेगा। फिर पास्ट में क्या बोलूँगा, डिड आई कुक, क्या मैं पकाया, और फ्यूचर में क्या बोलूँगा मैं, शैल आई कुक, क्या मैं पकाऊँगा। तो आप देखिए ये तीसरे नंबर के आइडियाज़ में और भी हैं, क्या मैं फेंकता फेंका फेंकूँगा, क्या मैं पीता पिया पीऊँगा, क्या मैं बोलता हूँ बोला बोलूँगा, क्या मैं देखता हूँ देखा देखूँगा। तो भाई आपको पहला बनाना सिखा दिया गया, बाकी आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, इनके आंसर शीट मैं भी दिखाऊँगा आपको, आप उसकी फ़ोटो ले लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चौथे नंबर का देखिए, क्या मैं नहीं बेचता हूँ, अगर आप गौर करें तो क्या मैं नहीं बेचता हूँ, बेचा बेचूँगा। तो इसको भी आपको किस तरीके से बनाना है वो बातें मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि आप इस काम को करते रहें। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया चौथे नंबर पे, देखिए क्या मैं नहीं बेचता हूँ बेचा बेचूँगा। तो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, क्या मैं नहीं बेचता बेचा बेचूँगा, हेडलाइन नंबर 4 दिया, उसका पहला एग्जांपल कर रहा हूँ। तो मैं पहला टेंस कौन सा है, बेचता हूँ से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या मैं नहीं बेचता हूँ तो क्या बोलूँगा, डोंट आई सेल, डोंट आई सेल, क्या मैं नहीं बेचता हूँ। फिर क्या मैं नहीं बेचा बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, डिडंट आई सेल। और तीसरे में क्या बोला आपने, क्या मैं नहीं बेचूँगा तो क्या बोलोगे, शांट आई सेल। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर में कि क्या मैं नहीं बेचता बेचा बेचूँगा, ये एग्जांपल मैंने आपको बना के दिखा दिए। इसी तरीके से क्या मैं नहीं खरीदता खरीदा खरीदूँगा, क्या मैं नहीं उधार लेता लेता लूँगा, क्या मैं उधार नहीं देता दिया दूंगा, क्या मैं झाड़ू नहीं मारता मारा मारूंगा, ऐसे एग्जांपल बनाना चालू करिए इसके। ऐसा करते करते आप सारे सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ पर। देखिए तीसरे नंबर में 13 नंबर का देखिए हेडलाइन क्या दिया है यहाँ पर, बरसात होती है, या इट्स एग्जांपल बनाने, ऊपर में आपको हेडलाइंस भी दिए गए जो मैं फाइनल समझाने वाला हूँ। तो आपने क्या बोला, बरसात होती है, हुई और होगी। पहला सेंटेंस मैंने लिखा बरसात होती है, फिर हुई और फिर होगी, तीनों सेंटेंस लिख लिया। पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो पहला बरसात होती है क्या बोलूँगा, इट रेन्स, बरसात हुई को क्या बोलूँगा, इट रेन्ड, और बरसात होगी क्या बोलूँगा, इट विल रेन, इट विल रेन। आप देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर इट का इस्तेमाल हुआ है, इसको समझाया था मैंने पहले भी, अभी देख लीजिए, माँ पकाती है, आपने कहा माँ पकाती है, और एक तरह आपने कहा बरसात होती है, बरसात होती है, दिस इज वर्ब हियर, दिस इज सब्जेक्ट हियर। तो सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए सेंटेंस में। तो आपने क्या बोला, मदर कुक्स, मदर कुक्स, और आपने देखा यहाँ पर कि बरसात होती है, तो सिर्फ वर्ब है, इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। सेंटेंस में एस प्लस वी यू एन से सेंटेंस बनता है, ताहतिये का, तो सब्जेक्ट तो माँ थी यहाँ पर, लेकिन बरसात होती में तो सिर्फ वर्ब है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो अपनी मर्जी से हम सब्जेक्ट इट मानते हैं, तो क्या जाएगा, इट, जब मैंने इट लिया तो एक वचन है, सिंगल नंबर ही शीट एक वचन होते हैं, तो इसका वर्ब जो है बरसात होना, वो क्या बोलते हैं अपन, रेन, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, रेन्स। तो उसी आधार पर इट रेन्स, सेकेंड फॉर्म में सब्जेक्ट इट ही बना, इट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो इट लिया। तो ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, हवा बहती है, बर्फ गिरती, रिमझिम वर्षा होती है, बादल गरजता है, ये सब मौसम के संबंध में बातें की गई है, और इनके साथ सब में इट लगेगा सब्जेक्ट, क्योंकि बरसात होती है वर्ब है, हवा बहती है वर्ब है, बर्फ गिरना वर्ब है, रिमझिम वर्षा ड्रिजल कहते हैं, बादल गरजता है ये वर्ब है, बादल गरजना, इसीलिए सब इट से बनेंगे, और इट के एग्जांपल भी दिए गए हैं मेनली सेट में। देखिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे अच्छे से, और इसके आंसर शीट में अभी आपको दिखाने वाला हूँ। कोई भी वर्ड, जैसे आपको उड़ेलना नहीं पता है ना, नेतृत्व करना नहीं पता, इसी तरीके से झुकना नहीं पता, प्रस्ताव रखना नहीं पता, अगर कोई मीनिंग नहीं मालूम है तो इन सब की मीनिंग अभी आपको मालूम चल जाएगी। लेट्स से अब आगे चलते हैं। देखिए ये है 14 नंबर, 69 18 से चालू हुआ है, और ये पूरे आप फोटो लीजिए, इसके लाइन से ये सारे सेंटेंस आपको करने हैं। मैंने आपको यहाँ पर बना के कुछ एग्जांपल दिखाया उसी तरह से, और मैं फाइनल इसमें आपको कमेंट कर दूँ, सजेस्ट कर दूँगा कि क्या करना है, व्हाट टू डू। ये देखिए वो 28 नंबर तक है, क्या वे विचार नहीं करते किए करेंगे, है ना, ये सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं, वे विचार नहीं करते, कौन वे, इंटरगेटिव नेगेटिव है। अब देखिए ये वाला एग्जांपल, लड़का गणना करता है, कैलकुलेट करना, है ना, बच्चे परेशान करते हैं, ये सब की मीनिंग्स आपको ये दी जाएगी ये 20 एग्जांपल से। अगर आपने इतने एक्सरसाइज कर लिया, सीखना चाहते हैं आप, मेहनत कर रहे हैं आप, तो मैं आई एश्योर यू कि आप बहुत अच्छी अंग्रेजी कर लेंगे अपनी, आपको बहुत सारे आइडियाज़ दिए जाएंगे, आप उस पर काम करिए अगर आप रियल में सीखना चाहते हैं तो। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ बातें फाइनली आपको समझाना चाहता हूँ जो सेट के मामले में है। सेट में क्या चीज़ें हैं वो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए नंबर वन ये है, मैं खाता हूँ खाया खाऊंगा, देखिए ऊपर में है, आई के साथ वी वन बोलिए, तो आई के साथ मैं खाता हूँ खाया खाऊंगा मैं, पहला एग्जांपल किसका है, प्रेजेंट डेफिनिट का है, तो मैं खाता हूँ क्या बोलूँगा मैं, आई ईट, तो मैंने आई के साथ वी वन कहा, ऊपर में जो आइडिया हुआ है। दूसरे में बोला पास्ट डेफिनिट में क्या बोल रहा है वो, सेकेंड में आई के साथ वी टू बोलिए, तो आई एट, तो मैंने वी टू कहा। फिर क्या बोल रहा, आई के साथ शैल बोलिए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या बोलूँगा, आई शैल ईट, मतलब क्या बोला आपने, मैं
खाऊंगा। तो इस तरह से ये ऊपर में जो आइडियाज़ दिए गए कि आई के साथ V1, आई के साथ V2, आई के साथ ये हिंट्स दिए गए आपको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसमें सिर्फ आपको वर्ड मीनिंग्स की ज़रूरत है और आप फटाफट एग्जांपल बना सकते हैं। मैं सोता सोया सोऊंगा तो पहला एग्जांपल आई स्लिप, आई स्लिप, आई शैल स्लिप, मैं रोता रोया रहूँगा, आई क्राइड, आई शैल क्राई। यहाँ देखिए, वह सिलता सिला सिलेगा, ही स्टिच, ही स्टिच्ड, ही विल स्टिच, वह खेलता खेला खेलेगा, ही प्लेज, ही विल प्ले, ही विल प्लेड। अब एक एक टेंसेस आपको अच्छे से बता दिया गया है। अब अपने के अलावा वह धक्का मारती है, शी पुशे, शी पुश्ड, शी विल पुश, वह सजाती है, शी डेकोरेट, शी डेकोरेटेड, शी विल डेकोरेट, वह जलाती है, शी बर्न, शी बर्न्ड, शी विल बर्न, वह गिरती है, गिरी गिरेगी, शी फॉल, शी फेल, शी विल फॉल, वह तैरती तैरी तैरेगी, शी स्विम, शी स्वैम, शी विल स्विम। कैसे आप बोल रहे हैं फटाफट एग्जाम्पल, उसको आपको ध्यान में रखना है, इससे आपके कमांड का पता चलता है कि यू हैव वेरी गुड कमांड ओवर दिस टेंसेज। लेट्स सी, अब मैं आपको इसके वर्ब दिखा रहा हूँ और साथ में मैं समझा देता हूँ इसको, व्हाट इज़ दिस। आप सेट नंबर वन जो है, सेट नंबर वन, नंबर वन से आपको जो एग्जांपल दिए गए थे, ये नंबर वन में फाइव एग्जांपल है, पांचों के आंसर्स है V1 V2 के साथ। नंबर टू हेडलाइन नंबर टू के पांचों के आंसर्स है, हर एक हेडलाइन में फाइव एग्जांपल्स आर गिवन, उसमें अलग अलग वर्ब लिए गए हैं ताकि आप ज़्यादा अच्छे से सीख सकें नए नए शब्दों के साथ। 28 तक आपको बताया गया था, 28 तक का फिर डिफरेंट एक्सरसाइज बताए गए थे आपको, जिसमें देखो गिनना के लिए इस्तेमाल किया था काउंट और काउंटेड, है ना, ट्रबल है, वैक्स है, इनके मीनिंग्स हैं, डबल डबल मीनिंग भी होते हैं, ट्रबल वैक्स मतलब किसी को परेशान करना चढ़ाना। इस तरह से इनके आप फोटो ले लीजिए अच्छे से, और फोटो लेने के बाद अब ये जब सेट को आप सॉल्व करेंगे घर पे, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये हेडलाइन नंबर वन है, मैं खाता हूँ, खाया, खाऊंगा, ये आंसर है पहले वाले का। खाना को ईट कहते हैं हम लोग, सेकंड फॉर्म में ईट कहते हैं, दो ही चीज़ तो चाहिए आपको यहाँ पर। फिर आप देखेंगे मैं सोता सोया सोऊंगा, सेकंड एग्जांपल मैं सोता सोया सोऊंगा, आप सोना नहीं मालूम आपको, या देखिए यहाँ पर सोना को क्या कहते हैं, स्लिप, उसका सेकंड फॉर्म चाहिए आपको सोया के लिए, आई स्लेप्ट। तो ये इस तरीके से आंसर ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 27 नंबर का एग्जांपल है और 11 नंबर में क्या बोला, कन्फ्यूज। अब ये देखिए 27 नंबर के एग्जांपल को मैं आपको दिखाता हूँ, ये है 27 नंबर का एग्जांपल, देश है, है ना, 26 27, यहाँ पर आपने एग्जांपल लिया, क्या वे घबराते हैं, घबराए, घबराएंगे। तो यहाँ पर घबराना के लिए अगर वर्ड आपको चाहिए तो 27 नंबर का वन वर्ड देखिए, 27 नंबर में कन्फ्यूज, घबराना का मतलब होता है कन्फ्यूज, तो वह घबराता है, यहाँ एग्जांपल लिखा है, क्या वे घबराते हैं, तो डू दे, ये देखा ऊपर में डू दे, डिड दे, विल दे, तीनों टेंसेस के हिसाब से, तो क्या जाएगा, डू दे कन्फ्यूज, कन्फ्यूज भी कहते हैं घबराने के लिए, फियर भी कहते हैं, डू दे कन्फ्यूज, डिड दे कन्फ्यूज एंड विल दे कन्फ्यूज, ये ऊपर आइडियाज़ देने से आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। ओके तो इस तरह से फाइनली मैं आपको ये, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैंने जितना एग्जांपल आपको देना था तमाम एग्जांपल मैंने दिए। अब मैं इसको साइड कर रहा हूँ, फाइनल मैं आपको छोटी बातें बताकर ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो आपका। लेट्स से ये आपको समझ में आ गया होगा व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एग्जांपल में। अब आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि फाइनली वी हैव कंप्लीटेड अवर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, तीन सेंटेंस हो गए आपके, और तीन सेंटेंसेस में सभी में आप देखेंगे यहाँ एग्जांपल में कि कोई भी सेंटेंस जब बनता है तो चार चार बनते हैं इसके, फोर फोर, है ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव, इसके चार बने, इसके चार बनेंगे, इसके चार बनेंगे, मतलब 12 सेंटेंसेस। तो 12 सेंटेंसेस आप बनाना सीख गए अच्छे से, और इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई है, आप उनको अच्छे से सीखिए। और आने वाले वीडियोज़ में हम और भी नई चीज़ें चालू करेंगे, और आपको जस्ट के से बट यू विल एंजॉय द वीडियोस, आपको काफ़ी काम की चीज़ें देखने मिलेंगी, समझने मिलेंगी। एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट सीखने के लिए, एंड माय बेस्ट विशेस आर विद यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।